एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है विश्वास नगर दिल्ली के अंदर, यहाँ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा जागृति अभियान का। कुछ एक्सपर्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने माध्यम से महिलाओं को समझाने के लिए, एक हमारे बीच में हैं एडवोकेट ममता जी, आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए उनकी क्या सलाह है। हमारे बीच में है ममता एडवोकेट जी, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं जो महिला और बच्चों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में। मतलब आजकल महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? सर, इसके लिए सिर्फ मुख्य कारण मैं एक ही शब्द कहूँगी, मेंटल पोल्यूशन। क्योंकि आज के नर में जो एक मेंटल पोल्यूशन डेवलप हो रहा है ना, उसके लिए वो अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है और उसके लिए वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। लेकिन आजकल सभी पार्टियां कहती हैं कि महिलाओं सुरक्षित हैं, महिलाओं को हम सुरक्षा के लिए ये कानून की व्यवस्था करेंगे और पुलिस की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज भी महिलाएँ अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। सर, इस टाइम की स्थिति को देखते हुए मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ जब ये लॉ नहीं था और लड़कियों के साथ तो पता नहीं कहाँ पर क्या किस तरीके से जब मर्जी होता हो जाता होगा, गांव हो चाहे शहर हो। आज लॉ होने के बावजूद भी उनके साथ इतना कुछ गलत हो जाता है और कितनी महिलाएं हैं जो सामने आ पाती हैं, क्योंकि कई बार समाज के डर से, कई बार परिवार के डर से, कई बार रिश्तेदारों के डर से अपने आप को वो बता ही नहीं पाते कि उनके साथ कहाँ पर कितना और किस तरीके से गलत हो रहा है। देखिए मैडम, जब कुछ दलित समाज में, बहुजन समाज में इस तरीके की हालात होती है तो वो कुछ ना कहने के चक्कर में होता है, ना कुछ अपनी बात को समझा पाता है, लेकिन और समाज के साथ में होता है तो वो दिन रात मोमबत्ती जला जला के विरोध करते हैं। सर, मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुजन समाज की बात कीजिए चाहे फिर जनरल किसी की भी बात कीजिए, महिलाओं की जो स्थिति है और जो उसका डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आया है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बीच में नहीं आया होता तो दलित समाज की महिलाओं को तो छोड़िए, किसी भी समाज की महिलाओं की कभी भी कोई रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती। आप महिला हैं और एक तरफ जो पार्टियां सत्ता में आती हैं, जो पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती है कि हम 50% इनको आरक्षण देंगे, 33% आरक्षण देंगे, उस संबंध में? सर, मेरा तो मानना सिर्फ इतना है कि आरक्षण तो बहुत दूर की चीज है, महिलाओं को सिर्फ सम्मान दे दीजिए ना, अगर उन्हें प्रॉपर सम्मान मिल जाएगा तो आरक्षण की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सम्मान किस तरीके का? वो अपनी बात को खुल के कह सकें, अपने लिए लड़ सकें, अपने अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकें, उसके लिए उनके ही घर के पुरुष रिश्तेदार हैं, चाहे बाप है चाहे भाई है, वो उनको रोक देते हैं, समाज के लोग हैं वो उनको रोक देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर ये इस तरह से बोलेगी तो इसकी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। बदनामी तो एक सामाजिक तौर पर होगी ना, लेकिन जो उसके इमोशनली लेवल पे, मेंटली लेवल पे जो अटैक हुआ है, उस अटैक को अगर कोई भी समझेगा तो वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो डेफिनेटली उसे बाहर आना चाहिए, लोगों से उसको बताना चाहिए और उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और उसमें हमें उस लड़ाई में उसे पीछे नहीं खींचना है, उसके साथ चलना है। ममता जी, आप युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे और महिलाओं के लिए क्या अपील करेंगे आप? मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी, अगर किसी के भी साथ किसी भी तरह का कुछ भी गलत होता है, केवल शारीरिक लेवल पे ही नहीं, अगर उनके साथ कोई मेंटली लेवल पे भी किसी तरह का हरासमेंट होता है तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक वो खुद से आवाज़ नहीं उठाएंगी तब तक उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। धन्यवाद।